ऋषभ धरा की सारी बातें सुन रहा है, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। तभी धरा चलते चलते अचानक रुक गई और ऋषभ ने धरा की तरफ देखा भी नहीं और वो चलता ही जा रहा था। ऋषभ जब आगे कुछ दूर निकल गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे धरा एक ही जगह पर खड़ी हुई दिखी। तो ऋषभ पीछे धरा के पास आया और बोला, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? चलो, दादी हमारा घर पर वेट कर रही होंगी। धरा ऋषभ की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी और इस टाइम धरा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। ऋषभ धरा की तरफ देख ही रहा है और ऋषभ को समझ में आ गया कि धरा बहुत दुखी है, लेकिन ऋषभ इस टाइम धरा से कुछ भी नहीं कहना चाहता है। तभी धरा ने ऋषभ का हाथ पकड़ा और कहा, आई एम सॉरी ऋषभ, प्लीज मुझसे बात करो, मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो, प्लीज। इतना बोलकर धरा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और धरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी ऋषभ थोड़ा पैनिक हुआ और उसने धरा को चुप करवाते हुए कहा, धरा चुप हो जाओ पहले प्लीज, और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, और इस तरह रास्ते में खड़े होकर अगर तुम रोगी तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। चलो पहले घर पे चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे, चलो। ऋषभ धरा को लेकर जल्दी से घर आया और ऋषभ की मॉम और दादी ऊपर वाले रूम में थीं और ऋषभ ने धरा को नीचे के रूम में बिठाया और धरा को पानी देते हुए कहा, मेरी बात सुनो धरा, कल तुमने जो भी बातें कही हैं वो बातें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तुम्हें उन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। धरा ने ऋषभ की बात सुनकर कहा, आई नो हम फ्रेंड्स हैं, लेकिन कल मैंने जो भी बातें बोली ऋषभ, वो सारी बातें बिल्कुल सच है, मैं सच में तुम्हारे लिए वो सब फील करती हूँ। आई नो तुम बहुत अच्छे, मैं ही शायद तुम्हें डिजर्व नहीं करती, है ना? ऋषभ ने जैसे ही धरा की बात सुनी, ऋषभ ने तुरंत ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं धरा, नहीं, तुम मुझे नहीं बल्कि तुम मुझसे कोई बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हो धरा, और तुम शायद भूल रही हो, मैं तुम्हारा वर्कर हूं और तुम मेरी बॉस हो, इससे ज्यादा हमारा कोई रिलेशन नहीं हो सकता धरा। तुम अभी छोटी हो और तुम्हें नहीं पता, अगर किसी को भी इस बारे में भनक लगी तो लोग किस किस तरह की बातें करेंगे धरा। धरा ने जैसे ही ऋषभ की बात सुनी, धरा ने कहा, मैं तुम्हारी मैनेजर हूं, क्या सिर्फ यही रीजन है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और लोगों के डर की वजह से तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे? ऋषभ ने ना में अपना सिर हिलाया और कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो धरा। धरा ने ऋषभ का हाथ पकड़ा और कहा, ठीक है, मुझे अब उस बारे में और कोई बात नहीं करनी है, हम जैसे पहले फ्रेंड्स की तरह रहते थे उसी तरह रहेंगे, मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है, लेकिन प्लीज तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम मुझसे बात करना बंद नहीं करोगे और मेरे कॉल और मैसेजेस का जवाब दोगे, प्लीज। धरा और ऋषभ बात कर ही रहे थे कि तभी ऋषभ की मॉम की आवाज आई, ऋषभ, धरा, क्या तुम लोग आ गए? ऋषभ ने तुरंत अपनी मॉम की आवाज सुनकर कहा, हाँ मम्मी, हम लोग आ गए, हम बस अभी आते हैं। ऋषभ अपनी मॉम के रूम की तरफ जाने लगा और तभी धरा ने ऋषभ का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी बात का जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूं। ऋषभ ने धरा की तरफ देखकर हां में सिर हिलाया और कहा, हां हां ठीक है ठीक है। धरा ने ऋषभ की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराया और ऋषभ ने धरा के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, और तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इतनी छोटी छोटी सी बातों पर रोगी नहीं, करो प्रॉमिस। धरा ने हां में सिर हिलाया और ऋषभ ने धरा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अब ऊपर चलते हैं, दादी और मम्मी हमारा वेट कर रही होंगी। ऋषभ और धरा दोनों ऊपर चले गए। मिसेस कुलकर्णी आकांक्षा के साथ ओल्ड सिटी में शॉपिंग करने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान जा रही थी और वहीं मिहिर मिस्टर कुलकर्णी के साथ उनके पीछे पीछे चल रहा था। तभी मिस्टर कुलकर्णी ने मिहिर की तरफ देखते हुए पूछा, मिस्टर मिहिर, अभी अभी हम जिस दुकान में थे वो भी आपकी ही है ना? मिहिर ने जैसे ही मिस्टर कुलकर्णी के मुंह से ये बात सुनी, मिहिर अचानक से चलते चलते रुक गया और तभी मिस्टर कुलकर्णी ने कहा, ओ मिस्टर मिहिर, इस तरह से हैरान होकर आप मुझे क्यों देख रहे हैं? मुझे तो तभी पता चल गया था जब मैनेजर ने आकर इतना रिस्पेक्टफुली आपके सामने अपना सर झुकाया। मिहिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जी हाँ मिस्टर कुलकर्णी, एक्चुअली ये दुकान अभी अभी मैंने ओपन की है, बस कुछ ही महीनों पहले इसकी ओपनिंग हुई थी और इस शॉप का स्टाफ भी न्यू है और आज जो कुछ भी शॉप पर हुआ उसके लिए मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मिहिर की बात पर मुस्कुराते हुए मिस्टर कुलकर्णी ने कहा, अरे नहीं मिस्टर मिहिर, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, शॉप पर जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए आपको ब्लेम नहीं कर रहा, इसलिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मिहिर मिस्टर कुलकर्णी की बात से मुस्कुराया और दोबारा उनसे कुछ भी नहीं कहा। मिस्टर कुलकर्णी ने मिहिर को सजेशन देते हुए कहा, मिस्टर मिहिर, मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है, अभी हम जिस ओल्ड सिटी में हैं, यहाँ की सिचुएशन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है
कि ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए अभी भी यहाँ पर कई सारी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए। जैसे अभी हम पीछे जहाँ जिस शॉप पर थे, वहाँ के आसपास की मैंने सड़कें देखी जो काफी ज्यादा टूटी हुई हैं, उन्हें मरम्मत की सख्त जरूरत है। मिहिर मिस्टर कुलकर्णी की बात बड़े गौर से सुन रहा था। जैसे ही मिस्टर कुलकर्णी ने ये बात बोली, मिहिर आसपास की जगह को नोटिस करने लगा और मिस्टर कुलकर्णी ने अपनी बात आगे बोलना कंटिन्यू किया और कहा, और आसपास के गंदे घर और साथ ही आपकी शॉप पर वर्कर्स भी कम हैं। मुझे लगता है अगर आप भी ओल्ड सिटी की इन सारी चीजों पर ध्यान देते हैं और अगर ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट हो गया तो आपकी यहाँ पर जितनी भी शॉप हैं वो और ज्यादा चलेंगी। मिहिर को मिस्टर कुलकर्णी के सारे सजेशन काफी ज्यादा सही लगे और मिहिर ने उनकी बातों पर ध्यान दिया और ओल्ड सिटी की सभी जगहों को नोटिस किया। मिहिर ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, आई थिंक मिस्टर कुलकर्णी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपके सभी सजेशन मुझे काफी ज्यादा ठीक लगे। मैं इसके बारे में सोचूंगा और अपने मैनेजर और असिस्टेंट से बात करूंगा। मिहिर ने मिस्टर कुलकर्णी की बात सुनी और उसकी तरफ देखकर अपने मन में कहा, वैसे मिस्टर कुलकर्णी काफी स्मार्ट हैं और स्मार्ट लोगों के साथ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करो तो उतनी ही ज्यादा चीजें सीखने को मिलती हैं। आई थिंक मुझे इस बात को लेकर आज ही निखिल और काव्या से बात करनी चाहिए। अब मिहिर इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के बारे में सोचने लगा कि वो कितनी जल्दी से जल्दी ओल्ड सिटी के रिकंस्ट्रक्शन में लग सकता है। मिहिर को इस तरह से सोचते देखकर मिस्टर कुलकर्णी समझ गए कि मिहिर अब उनकी कही बात के बारे में ही सोच रहा है, क्योंकि वो जानते थे कि मिहिर एक तेज दर्रार लड़का है जो अपने प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहता है और अब मिहिर ओल्ड सिटी को डेवलप करने में दिन रात एक कर देगा। मिस्टर और मिसेस कुलकर्णी ने जब पूरी ओल्ड सिटी घूम ली तो मिहिर ने उन्हें उनके सामान के साथ उनके होटल रूम तक पहुंचा दिया और जैसे ही मिहिर होटल रूम से बाहर निकला, मिहिर का अपने घर वापस जाने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि मिहिर के दिमाग में अभी भी ओल्ड सिटी के रिकंस्ट्रक्शन को लेकर काफी कुछ चल रहा है। मिहिर ने अपने मन में कहा, अब अगर मैं घर जाऊंगा तो वहां पर मेरे करने के लिए कुछ भी नहीं होगा तो फिर मैं बोर हो जाऊंगा, इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं घर ही नहीं जाता हूं। मिहिर अपनी कार में बैठा और सीधे टी हाउस की तरफ निकल गया। जैसे ही मिहिर टी हाउस पहुंचा, वो अपने केबिन में गया और टी हाउस के वर्कर ने मिहिर को टेबल पर चाय लाकर रखी। मिहिर ने चाय पीने से पहले निखिल और काव्या को अपने केबिन में बात करने के लिए बुलाया। निखिल और काव्या के पास जैसे ही मिहिर का कॉल गया, वो दोनों तुरंत मिहिर के केबिन की तरफ आए और जब तक काव्या और निखिल मिहिर के पास पहुंचे, मिहिर अपनी चाय पी चुका था। मिहिर अपने चेयर पर बैठा हुआ है और मिहिर के सामने वाली टेबल पर 3-4 चाय के खाली कप रखे हुए थे, जिन्हें देखकर निखिल को ऐसा लगा कि मिहिर का मूड खराब है, इसलिए निखिल ने मिहिर से मजाक करते हुए कहा, मिहिर सर, मैं जब टेंशन में होता हूं तो अपनी टेंशन को दूर करने के लिए थोड़ी सी ड्रिंक या बियर पीता हूं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है आप टेंशन में तो अपने चाय को ही ड्रिंक समझ लेते हैं, आखिर बात क्या है, आप टेंशन में है क्या? काव्या ने निखिल की बात सुनकर मिहिर की तरफ देखा और तुरंत मिहिर से माफी मांगते हुए कहा, मिहिर सर, आप किस लिए टेंशन में है? अगर हमारी वजह से आपको किसी बात की कोई टेंशन है तो प्लीज उसके लिए सॉरी। मिहिर ने काव्या की बात सुनकर तुरंत अपना हाथ हिलाते हुए कहा, सबसे पहले तो आप दोनों बैठिए, बैठ जाइए। मैं आप दोनों को ही बता दूं कि मैं आप लोगों की वजह से टेंशन में नहीं हूं, इसलिए आप दोनों में से किसी को भी ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही सॉरी बोलने की जरूरत है। मिहिर ने जैसे ही उन दोनों को बैठने के लिए कहा, वो दोनों मिहिर के सामने वाली दो चेयर्स पर बैठ गए और मिहिर ने उन दोनों को भी एक एक चाय के कप दिए। निखिल ने तुरंत चाय के कप को उठाया और उसमें से एक घूंट चाय पीकर सेटिस्फाई होकर कहा, चाय सच में बहुत अच्छी है और मुझे ब्लैक माउंटेन टी को पीने की इतनी ज्यादा आदत हो गई है कि अगर मैं दिन में ब्लैक माउंटेन टी को ना पीऊं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना कोई डेली रूटीन छोड़ दिया हो। मिहिर निखिल की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और तभी काव्या ने निखिल की तरफ देखा और उसने भी अपनी चाय के कप से एक सिप लिया। मिहिर निखिल और काव्या की तरफ देख ही रहा है कि तभी निखिल ने काव्या से पूछा, वैसे काव्या, क्या हुआ आज ओल्ड सिटी में, जरा मुझे भी तो बताओ। काव्या ने निखिल की बात सुनकर निखिल को घूरते हुए देखकर कहा, निखिल सर, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं आपको पूरी बात तो बता चुकी हूँ। निखिल काव्या की बात पर मुस्कुराने लगा और तभी काव्या ने मिहिर की तरफ देखकर शिकायती लहजे में कहा, मिहिर सर, देखिए ना, निखिल सर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप ही बताइए आज मैंने जो भी डिसीजन लिया वो सही नहीं है, या मैंने उसके बाद जो भी कंप्लेंट बॉक्स वाली बात बोली क्या वो भी ठीक नहीं थी? मिहिर ने काव्या की बात सुनकर ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। मिहिर की बात सुनकर काव्या ने कहा, तो फिर निखिल सर को मना कीजिए ना कि वो मेरा मजाक ना उड़ाएं। निखिल अभी भी काव्या की बात से मुस्कुराता जा रहा है और तभी मिहिर ने ना में इशारा करके निखिल को हंसने के लिए मना किया। काव्या ने निखिल की तरफ देखकर कहा,
बस कीजिए ना निखिल सर, देखिए अब तो मिहिर सर ने भी क्लियर कर दिया कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है। अब आप हंसना बंद कीजिए और चलिए थोड़ी सीरियस बातें करते हैं। हाँ हाँ, तो बताइए मिहिर सर, आपने हमें यहाँ पर किस लिए बुलाया है? काव्या ने जैसे ही ये बात बोली, मिहिर ने हाँ में सिर हिलाया और निखिल अपनी चाय के कप को टेबल पर रखकर बिल्कुल सीरियस होकर बैठ गया। काव्या और निखिल दोनों मिहिर की तरफ देखने लगे। मिहिर ने उन दोनों की तरफ देखा और गला साफ करते हुए काफी सीरियस होकर कहा, मैंने आज एक बहुत जरूरी वजह से आप दोनों को यहां पर बुलाया है। मैंने कुछ सोचा है जिसके लिए मुझे अपने सबसे समझदार लोगों की राय चाहिए, इसलिए मैंने आप दोनों को यहां पर बात करने के लिए बुलाया है। क्या मिहिर ने निखिल और काव्या को मिस्टर कुलकर्णी के दिए सजेशन को शेयर करने के लिए बुलाया है? मिहिर के इस प्लान को सुनने के बाद काव्या और निखिल का क्या रिएक्शन होगा? जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।